तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। सैनिक मंत्रा के एक और विशेष वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक खास प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है उच्चलो सुरक्षा। और उच्चलो सुरक्षा के जरिए हमारे सभी फौजी भाई और उनके फैमिली मेंबर्स हवाई यात्रा के दौरान काफ़ी सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। आखिर ये प्रोडक्ट क्या है और कैसे काम करता है और हम इसका कैसे अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं, इन बारे में बात करने के लिए हमारे साथ लालटू सर है उच्चलो टीम की तरफ से। लालटू सर, आपका स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद केतन जी। जय हिंद। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ सर। और पहला क्वेश्चन सर मेरा ये है कि आखिर ये उच्चलो सुरक्षा क्या है और इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या रीजंस थे और कैसे इसका आइडिया आया कि हमारे फौजी भाइयों के लिए इसकी नीड है? तो मैं आपका दूसरा सवाल पहले उठाता हूँ कि हमने ये क्यों बनाया सर। जैसे कि मैंने अपने हर वीडियो में आपके साथ ये कहा है कि उच्चलो का जो विजन रहा है वो हमेशा यही रहा है, टू मेक लाइफ सिंपलर फॉर आवर सोल्जर्स। ठीक है, तो हमने देखा कि बहुत सारे कंप्लेंट्स थे रिलेटेड टू कैंसिलेशन फीस। ठीक है, कि लोगों के बहुत ज़्यादा कैंसिलेशन फी डिडक्ट होते थे और लोग इस बारे में खुश नहीं थे कि वो इतना हाई कैंसिलेशन फी क्यों पे करें। तो ये जो कैंसिलेशन फी का जो प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए हमने सोचा कि लेट्स डू समथिंग, और हमने अपने एंड पे एक सुरक्षा नाम के एक प्रोडक्ट को बनाया जिससे कि जो कैंसिलेशन का जो लॉस हो रहा है हमारे कस्टमर्स को, हम वो कवर कर पाए। हमने इससे रिलेटेड कोशिश की थी एयरलाइन से ही बात करने की कि वो एटलीस्ट जो डिफेंस टिकट्स हैं उस पर कैंसिलेशन फेयर कम कर दें, लेकिन वो उनका बिजनेस मॉडल नहीं है तो हम उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए। बट ये हमारा इनिशिएटिव था और इसके मतलब ये बहुत बड़ा प्रोडक्ट है और इसके बहुत सारे फायदे हैं। जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगा हम और भी डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो बेसिकली जो हमारे फौजी भाई या उनके फैमिली मेंबर्स हवाई यात्रा करते हैं और किसी रीजन से टिकट्स कैंसिल कराने पड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा चार्जेस पे करने पड़ते हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए उच्चलो सुरक्षा प्रोडक्ट है। बहुत अच्छी बात है सर कि आपने सबसे पहले ये चीज़ सोची है। ओके, तो प्रणय सर आपका स्वागत है। उच्चलो सुरक्षा प्रोडक्ट के आप एक्सपर्ट हैं, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि उच्चलो सुरक्षा की विशेषताएँ क्या क्या है, स्पेशलिटीज़ क्या क्या है और किस तरह से बाकी प्रोडक्ट से अलग है, हमारे फौजी भाई कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं? सबसे पहले तो थैंक यू केतन जी कि आपने अपने चैनल पे मुझे बुलाया ताकि हम आपके चैनल से जुड़े हुए हमारे जो फौजी भाई हैं उनको हम अपने सुरक्षा प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सकें। तो देखिए, सबसे पहले जो सुरक्षा का हमने डेवलप किया ये प्रोडक्ट, तो ये सोच के किया कि जो भी फौजी भाइयों को अगर कैंसिलेशन चार्जेस लग रहे हैं जो कि मिनिमम 3,500 रुपये होते हैं, ठीक है, तो अगर समझिए कि आपका अगर एक टिकट 6,000 का है और उसमें से 3,500 रुपये आपके कैंसिलेशन चार्ज ही लग गए, चाहे आप एयरपोर्ट पहुंच नहीं पाए या फिर किन्हीं कारणवश अगर आप वो फ्लाइट नहीं ले पाते हो, तो आपको जो 3,500 रुपये जो आपका कैंसिलेशन चार्ज है, तो ये आपको एक फाइनेंशियल लॉस हो रहा है हमारे फौजी भाइयों को। तो हमने सबसे पहले ये देखा कि कैसे इस फाइनेंशियल लॉस को कम कर सके हम, तो उसके लिए हमने जो प्रोडक्ट बनाया उसमें हमारे पास ये है कि जैसे आप किन्हीं भी कारणों किसी भी कारण, चाहे आप अगर एयरपोर्ट टाइम पे ना पहुंच पाए या फिर आपकी छुट्टियां कैंसिल हो जाए, क्या होता है डिफेंस में लास्ट मिनट पे ट्रैवल करते हैं और लास्ट मिनट पे अगर टिकट अगर उनको कैंसिल करनी पड़ती है, अगर उनकी लीव्स कैंसिल हो जाती हैं तो उनका जो नुकसान हो रहा है तो उसको सुरक्षा यहाँ पर कवर कर सकते हैं हम। तो उसमें क्या होता है, अगर वो किसी भी टाइम पे अगर टिकट कैंसिल कराते हैं तो हम जो उनका कवरेज है, जो भी टिकट का कवरेज, वो हम उनको रिटर्न कर देते हैं। जैसे मार्केट में और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं तो उसमें क्या होता है, वो कैंसिलेशन चार्जेस कवर नहीं करते हैं, वो कवर करते हैं आपका अगर फ्लाइट डिले हो गया या फिर आपका समझिए कि दो राउट्स के फ्लाइट हैं, ठीक है, बट एक साइड का फ्लाइट कैंसिल हो गया और दूसरे साइड का डिले हो गया, तो उस केस में क्या होता है कि आप सही से जो आपका मतलब जो भी अलग प्रोडक्ट्स हैं वो क्या करते हैं कि बस आपको डिले का पैसा आपको मिल जाएगा, बट वो
टिकट का जो कैंसिलेशन का जो पैसा है वो आपको नहीं प्रोवाइड कराते, और उसमें भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, डिडक्टिबल्स होते हैं। तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि जो टिकट का आपका कैंसिलेशन चार्जेस है या फिर जो लॉस्ट इन बैगेज का पैसा है या फिर आपका जो डिले का पैसा है, वो बहुत सारे रीजंस के वजह से जो क्लेम होता है वो कैंसिल हो जाता है। बट सुरक्षा में हमारे पास ऐसा नहीं। अगर आप किसी भी कारणवश, समझिए कि आप एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाए, ट्रैफिक लग गया, आप टाइम पे नहीं पहुंच पाए और आपको लास्ट मोमेंट पे आपकी फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ रही, तो उन सारी केसेस को हम कवर करते हैं और जो भी आपका कैंसिलेशन चार्ज होगा वो हम आपको पूरा रिफंड करते हैं, और वो भी विद इन 24 आवर्स जो आपका पैसा है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा जिस जब आप कैंसिल करा रहे हैं अपना। उसमें ना कोई टर्म्स एंड कंडीशंस है, ना आपसे कोई सवाल पूछे जाएंगे, ना कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल है, आप अपने फ्लाइट बुकिंग के साथ सुरक्षा लीजिए। आप अगर किसी भी कारणवश अगर वो टिकट कैंसिल कराते हैं तो आपको वो जो आपका कैंसिलेशन चार्जेस है वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। ओके सर, तो बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं खुद पहली बार सुन रहा हूँ। और वाकई में हमारे फौजी भाई जब एयर टिकट बुक्स कराते हैं तो कई बार ऐसी समस्या आती है कि उनको सडनली कैंसिल कराना पड़ता है, खास करके हमारे ऐसे फौजी भाई जो हैं या उनके फैमिली मेम्बर्स हैं हाई एल्टी एरिया में हैं, कानवाय के थ्रू नीचे आ रहे हैं, लेट हो गए, टाइम से पहुंच नहीं पाए, अदर कोई रीज़न आ गया, डिफेंस की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन आ गया, तो उनकी लीव्स कैंसिल हो जाती है। उस टाइम पे भी उनके फ्लाइट टिकट जो है कैंसिल कराने पर उनको काफ़ी हैवी चार्जेस लग जाता है। आपका कहने का सीधा सा मतलब ये है कि अगर उच्चलो सुरक्षा प्रोडक्ट उन्होंने टिकट बुक करते समय लिया हुआ है तो उनको कोई भी कैंसिलेशन चार्जेस नहीं लगेंगे, चाहे किसी भी रीजन से कैंसिल करना पड़े, उनको पूरे का पूरा रिफंड 24 आवर्स में उच्चलो सुरक्षा की तरफ से मिल जाएगा। और इसके अलावा उच्चलो सुरक्षा के अंतर्गत क्या क्या चीजें कवर होती है सर, थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर पाए तो बहुत अच्छी बात। ठीक है, तो मैं इसमें डिटेल्स में बता देता हूँ। रीजंस तो बहुत सारे होते हैं, हम उन सभी रीजंस को कवर करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि हमने पहले भी बात किया, कि अनसर्टेनिटीज, जो भी आर्म फोर्सेस में अनसर्टेनिटीज होती है, लीव कैंसिलेशन हो जाना लास्ट मोमेंट पे, जैसे आपने कॉन्वॉय की बात की कि समय पे वो पहुंच नहीं पाए, या फिर समझिए कि अभी आपको यहाँ से, आप श्रीनगर में है, आपको आपकी फ्लाइट दिल्ली से है, तो आप श्रीनगर से दिल्ली ट्रेन में जा रहे हैं, आपकी ट्रेन डिले हो गई किसी भी कारणवश, तो भी आप टाइम पे एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाएंगे। ये कुछ कारण है आर्म फोर्सेस अनसर्टेनिटीज में। फिर आ जाता है अपना हॉस्पिटलाइजेशन, किसी भी कारणवश अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आपके फैमिली मेंबर्स में से किसी की तबीयत खराब हो जाती है, तो उस टाइम पे भी आप अपनी टिकट कैंसिल करवा सकते हैं। तो आपसे यहाँ पर कोई रीज़न नहीं पूछा जाएगा जब आप कैंसिल कराएंगे, तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप क्यों कैंसिल करा रहे हैं, ये सही है या गलत है, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। बस आपको इतना ख्याल रखना है कि आप जो टाइम है, मतलब अगर फ्लाइट आपकी अगर 24 घंटे बाद की अगर फ्लाइट है, तो आप अगर उस टाइम उससे पहले, उससे 24 घंटे पहले आप हमारे पास कैंसिल कराइए और आपका जो भी रिफंड है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ओके प्रणय सर, तो यहाँ पर एक विशेष क्वेश्चन मुझे आ रहा है दिमाग में, ये उच्चलो सुरक्षा प्रोडक्ट है ये स्पेशली किन के लिए बनाया गया है, कोई कैटेगराइजेशन है कि भाई ऑन सर्विस सोल्जर्स को ही मिल सकता है या कुछ लिमिटेशंस है, थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दीजिए सर, ताकि सभी को पता चले कि कौन कौन इसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा सुरक्षा प्रोडक्ट है, ये ऐसा नहीं है कि बस जो सर्विंग पर्सनल है वही यूज कर सकते हैं इसे, ये सर्विंग हो जाए, चाहे मतलब रिटायर्ड हो जाए या फिर उनके फैमिली मेंबर्स, ये सब ये सुविधा का लाभ उठा सकते हैं सुरक्षा का। तो मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ क्या हुआ था। देखिए, एक हमारे हवलदार साहब थे, तो उन्होंने क्या किया कि उनके बच्चे का एक एग्जाम था बैंगलोर में, ठीक है, तो उन्होंने पुणे बैंगलोर की टिकट करवाई हुई थी, वो थे उस टिकट में और उनके आई थिंक बेटे थे उस टिकट में। तो ये क्या हुआ है कि जो उनका एग्जाम था वो पोस्टपोन्ड हो गया, तो पोस्टपोन होने के कारण उनको अपनी टिकट कैंसिल करानी पड़ गई, ठीक है। तो जब उस टिकट में ये दोनों थे तो उन्होंने हमको कॉल किया, उन्होंने हमको बताया कि सर ऐसा ऐसा हमारा जो एग्ज़ाम का जिसके लिए हम जा रहे थे वो कैंसिल हो गया है। तो हमने उनको बस ये बोला कि सर देखिए ये आप दोनों के लिए है, तो आप क्या करें बस जाके अपने टिकट कैंसिल करा दीजिए। उन्होंने बस अपनी टिकट कैंसिल कराई और उनको जो अपना रिफंड था वो
पूरा मिल गया। तो ऐसा नहीं है कि जो सर्विसिंग वाले हैं, जो सर्विस में अभी काम कर रहे हैं, उन्हीं को ये लाभ मिल सकता है सुरक्षा का, इसका लाभ कोई भी ले सकता है। ये एक बहुत बड़ा सुविधा है हमारे सभी फौजी भाइयों के लिए कि आप चाहे ऑन सर्विस भी है और आपके परिवार अगर आपके नेटिव प्लेस में कहीं भी है और उनको भी ज़रूरत पड़ रही है, तो उच्चलों के थ्रू अगर सुरक्षा लेकर आपने टिकट बुक कराया हुआ है तो उनको भी बेनिफिट मिल सकता है, ऑन सर्विस सोल्जर्स को भी मिल सकता है, एक्स सर्विसमैन और उनके फैमिली मेम्बर्स, मतलब पूरी तरह से उच्चलों ने ध्यान रखा है कि हमारे फौजी भाइयों और उनके परिवारों की सभी की लाइफ आसान बन सके। हम तो खुद ये चीज़ बोलते हैं कि ये हमारा जो प्रयास है ये पूरे फौजी फैमिली के लिए है, तो चाहे वो फौजी हो चाहे उनकी फैमिली हो, हम सबको कवर करना चाहते हैं यहाँ पे। ये बस कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए नहीं, ये सबके लिए है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा उठाए और जो अपने नुकसान है, जो उनको कैंसिलेशन चार्जेस के द्वारा होते हैं, उसको वो कम करें। ओके तो लालटू सर, आपसे मेरा एक विशेष क्वेश्चन है कि उत्सलो सुरक्षा जो प्रोडक्ट है उसका किस किस तरह से हमारे व्यूवर्स फायदा उठा सकते हैं, कहाँ कहाँ पर फायदा उठा सकते हैं, कैसे फायदा उठा सकते हैं सर? जरूर केतन जी, आप जैसे प्रणय ने बताया कि उत्सलों का फायदा वो कैसे उठा सकते हैं, वो एक था कि कैंसिलेशन को सेव करने के लिए, कैंसिलेशन के कॉस्ट को सेव करने के लिए वो सुरक्षा का फायदा उठा सकते हैं। मैं सिर्फ इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो कैंसिलेशन रिलेटेड ही है, बट अगर हमारे जो फौजी भाई है वो अगर इसको थोड़े से अपने बेनिफिट के तरह से अगर इसको यूज़ करना चाहें, तो अभी क्या है कि हमने देखा है कि मेजॉरिटी बुकिंग जो है ज़्यादातर हमारे फौजी भाइयों का छुट्टियों का जो प्रॉब्लम है या जो अनसर्टनिटी है कि कब जाना है या फिर कब निकलना है, वो लास्ट मोमेंट तक डाइसी रहता है, ठीक है। तो इसलिए लोग ट्रेन टिकट्स तो कर लेते हैं, ठीक है, बट फ्लाइट टिकट्स करने से कतराते हैं। तो अभी क्या हम ये बताना चाहते हैं कि आप प्लान कीजिए अपनी छुट्टियाँ, आप एडवांस में प्लान कीजिए अपनी छुट्टियाँ, ठीक है, क्योंकि एडवांस में प्लान करने का फ़ायदा है कि आपको टिकट्स मिलेंगी सस्ती। और सुरक्षा का जो कॉस्ट है, सुरक्षा का कॉस्ट हमेशा टिकट वैल्यू पे है। हमने किसी पर्टिकुलर रूट के लिए, राउट के लिए या फिर पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के लिए हमने सुरक्षा के फीस को डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। तो अगर आपका फेयर कम है तो सुरक्षा का फी भी कम है। तो अगर मान लीजिए कि आप अगर अपने ट्रैवल को प्लान करते हैं, पहले से प्लान करते हैं, ठीक है, 15 दिन पहले से, तो आपको कम फेयर पे वो टिकट मिलेगा। उस टिकट पे कम फेयर होने की वजह से उस पर अगर आप सुरक्षा ऐड करेंगे तो सुरक्षा का भी जो प्रीमियम है वो कम आएगा उस पर। तो आप दोनों क्लब कीजिए, आपकी छुट्टियां कंफर्म नहीं है विच इज़ ओके, पर आपने टिकट करवा लिया है बिकॉज आपको जाना है, अभी तक आपने सोचा आपको जाना है। आपका रिस्क क्या है? आपका रिस्क है कि कहीं मुझे कैंसिल ना कराना पड़े, तो कैंसिलेशन का जिम्मा उड़चलों के हवाले, ठीक है, उड़चलो वहाँ से कैंसिलेशन के पैसे को आपके कैंसिलेशन के पैसे को उड़चलो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो आप एक टिकट परचेज करें, सुरक्षा ऐड करें एडवांस में, और आप आराम से बेफिक्र होकर बैठे। अगर लास्ट मिनट में प्रॉब्लम आती है, किसी वजह से आप नहीं जा सके, जैसे प्रणय जी ने कहा कि नो क्वेश्चन आस्ट, कोई सवाल है नहीं, आपको लगा कि आप नहीं जा सकते, बस करना ये है कि 24 घंटे पहले आपको ये ध्यान देना है कि ट्रैवल टाइम से 24 घंटे पहले, ठीक है, आपको हमारे पास कैंसिलेशन रिक्वेस्ट दे देनी है, ठीक है। तो 24 घंटे का पहले मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि कल ट्रैवल कर रहा हूँ तो आज रिक्वेस्ट दे रहा हूँ, 24 घंटे मतलब जो टाइम ऑफ ट्रैवल है उससे। तो अगर मान लीजिए कि सुबह कल सुबह 6 बजे का था, है मेरा फ्लाइट मान लीजिए, ठीक है, तो मुझे आज सुबह 6 बजे से पहले वो रिक्वेस्ट देनी है, कैंसिलेशन रिक्वेस्ट, ठीक है। उसके बाद आपको बेफिक्र होकर बैठ जाना है, ठीक है, हमारी टीम वो कैंसिलेशन रिक्वेस्ट पिक करेगी। आपने अगर 24 घंटे के पहले रिक्वेस्ट दे दी है तो आपका रीज़न कुछ भी हो, हम उस पर आपको जो टिकट वैल्यू है उसका रिफंड हम आपको कर देंगे। फ़ायदा ये है कि अगर आपने UPI से पेमेंट कर रखा है तो अगले 2 घंटे में आपके अकाउंट में वो पैसा दिख जाएगा, और अगर आपने किसी कार्ड से पे कर रखा है तो अगेन कार्ड का जो टर्न अराउंड टाइम जो बैंक ने ही डिफाइन कर रखा है वो करीब 3 से 5 दिन का है,
तो उस ड्यूरेशन में आपके पास वो पैसा पहुंच जाएगा, बट हम अपने एंड से उस पे एक्शन तुरंत ले लेंगे। ओके, तो ये बहुत अच्छी बात है कि दोनों तरफ से हम फायदा उठा सकते हैं। पहली बात तो ये कि हमारे दिमाग में एक हमेशा प्रॉब्लम रहती है कि भाई मैं टिकट तो कराऊं बट मेरी छुट्टी कंफर्म नहीं है, जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। अब इस चक्कर में हम बिल्कुल एंड टाइम पे टिकट बुक कराते हैं तो हमें टिकट महंगी पड़ती है, 5,000 की जगह पर 12,000-13,000 की टिकट। अब उठ चलो सुरक्षा से हम ये फायदा उठा सकते हैं कि बेफिक्र होकर पहले से ही टिकट बुक करा लो, बाई चांस अगर छुट्टी कैंसिल होती है तो पूरा रिफंड तो हमें मिल ही जाना है। तो दोनों तरफ से हमारा पैसा भी बच रहा है और सुरक्षित भी हो रहे हैं, और इसका क्लेम करना, कैंसिलेशन करना बिल्कुल आसान तरीके से लालटू सर ने हमें बता दिया। कोई भी चीज़ों की अदर रिक्वायरमेंट नहीं है। अब फौजी भाइयों की लाइफ बिल्कुल ही ज़्यादा आसान होने जा रही है मुझे लगता है। जी बिल्कुल, देखिए उद्देश्य यही है, उज्जलों का होने का भी उद्देश्य यही है कि हम आसान कर सकें। ठीक है, तो इमीडिएटली कॉल करना, कुछ प्रॉब्लम हो गई आप बताएं, हम कोशिश करेंगे हम उस चीज़ को सॉल्व कर लें। हम ये नहीं बोलते कि ये नहीं हो सकता है। ठीक है, और उठ चलो मतलब मैं तो ये कहूँगा कि जो सुरक्षा है इसका फ़ायदा आप हमारे, आपने देखा होगा कि हमारे पोर्टल पे कुछ बहुत ही सस्ते फेयर्स हैं। ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखेगा जो हमारे साथ वेरीफाइड होंगे। ठीक है, वो हमने एक्सक्लूसिवली उनके लिए ले रखा है। ठीक है, तो हमारे साथ जो वेरीफाइड है, बट उस प्रॉब्लम है उस फेयर का कि वो फेयर जो है वो रिफंडेबल नहीं होता है, चेंजेबल भी नहीं होता है। ठीक है, बट हमने क्या किया है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने उन पे भी सुरक्षा दे रखा है। ओके, तो आपको मान लीजिए कि नॉर्मल आपने देखा तो शायद एक फेयर आपको 7,000 का दिख रहा है, आपने उड़ चलो पे देखा वो जो स्पेशल फेयर है वो आपको 5,500 का दिख रहा है, तो आपके डायरेक्ट 1,500 रुपये वहीं बच गए। ओके, ठीक है, और आप आए, अब आपको करना है बुकिंग, आपने फिर उस पर ऐड कर दिया सुरक्षा, सुरक्षा ऐड कर दिया तो अब वो नॉर्मल ट्रैवल की तरह आपकी बुकिंग बन गई। अब आप फिर से निश्चिंत हो गए कि कैंसिल कराना है कोई प्रॉब्लम नहीं, पर टिकट तो सस्ती मिल गई, कैंसिल कराने का टेंशन भी चला गया कि मेरे पैसे नहीं मिलेंगे, ये क्या हो गया। ऐसा कुछ नहीं होगा, जितने की टिकट वैल्यू है वो आपको इमीडिएटली उसी प्रोसेस के दौरान आपको दे दिया जाएगा। ओके, तो सर उठ चलो सुरक्षा के लिए क्या स्पेसिफिक कैटेगरी के अनुसार कुछ अलग अलग ऑफर्स मिल रही है, छूट मिलती है, या क्या करना होगा सर इसके लिए? देखिए कुछ नहीं करना होगा, हमने सुरक्षा पर इसको बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश की है। ठीक है कि आप जब एक टिकट का बुकिंग प्रोसेस शुरू करते हैं, ठीक है, तो आपने फ्लाइट सिलेक्ट किया, फेयर सिलेक्ट किया, आगे बढ़े, जैसे ही आगे बढ़ेंगे वहाँ पर आपको सुरक्षा का ऑप्शन दिखेगा कि क्या आप सुरक्षा लेना चाहेंगे। वहाँ पर नीचे यस और नो है, यस के नीचे अगर आप लेते हैं तो नीचे लिख के हम बता देते हैं कि आपका रिफंड कितना आएगा अगर आप कैंसिल कराते भी हैं तो, और अगर आप नो करते हैं तो नो के नीचे भी हम लिखते हैं कि नॉर्मल केस में आपका रिफंड कितना होगा अगर आप इसको नहीं लेते हैं तो। और अगर सिर्फ हमारे साथ नहीं है, आप बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी जाके चेक कर सकते हैं, अगर आप कैंसिल कराते हैं तो जो भी चार्जेस कटते हैं, ठीक है, उससे कम चार्जेस ही हम अपने एंड पे दिखाते हैं। ठीक है, बट अगर आप सुरक्षा लेते हैं तो आप पूरा का पूरा फेयर वहाँ पर बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये हम डिस्प्ले कर देते हैं। अब करना क्या है कि उनको यस सिलेक्ट करना है, जो सुरक्षा का जो नॉमिनल फी है वो ऐड हो जाएगा आपके फेयर में। ठीक है, और वो फिर आपको फाइनल चेकआउट पे पेमेंट कर देना है। ठीक है, नॉर्मली आपके टिकट पे ही आ जाएगा कि दिस टिकट इज और दिस PNR इज अंडर द सुरक्षा प्रोग्राम, तो आप बेफिक्र हो गए। ठीक है, हमें पता चल गया कि आपने जो टिकट लिया है वो सुरक्षा प्रोग्राम के अंतर्गत है। अब आप ट्रैवल से 24 घंटे पहले तक कभी भी आइए, जाना है तो बहुत अच्छी बात, हम तो चाहते हैं कि आप जाएं और एकदम खुशहाल टाइप से पहुंचें, क्योंकि आपने भी प्लान कर रखी है अपनी छुट्टियां। छुट्टियां कैंसिल होना मतलब अपने आप में एक टेंशन वाली बात हो जाती है, घर वाले भी इंतज़ार कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप उसका इस्तेमाल करें। अब मान लीजिए कि एक केतन जी, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा यहाँ पर, आपने टिकट बुक किया, मान लीजिए 4 तारीख का टिकट बुक किया, आपकी छुट्टियाँ सैंक्शन हुई 6 तारीख से। ठीक है, पर आपको तो कैंसिल हमारे पास करना पड़ेगा कि नया टिकट बुक करना है। आप, हम कह रहे हैं कि आप ठीक है आप आइए,
और आप 4 तारीख का टिकट 3 तारीख जो भी टाइमिंग है उस हिसाब से आपने कैंसिल कराया, आपके पैसे बचे, आप इमीडिएटली दूसरा टिकट ले सकते हैं। मतलब वो जो चेंज, अगर आप रीस्केड्यूल भी कराने जाते हैं ना कितन जी, मैं कहना चाहता हूँ, तो भी आपको मिनिमम 3,500 एयरलाइन लेती ही है। ओके। कम से कम 3 से 3,500 रुपये एयरलाइन लेती ही लेती है चेंज कराने का। अब आपको वो खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है। और रीस्केड्यूल का प्रॉब्लम क्या होता है कि आपने अगर एक एयरलाइन से बुकिंग बनाई है तो रीस्केड्यूल आपकी उसी एयरलाइन पे होगी, ये भी लिमिट है। ठीक है, पता चला कि उस दिन उस एयरलाइन का टिकट बढ़ा हुआ है, कॉस्ट बढ़ा हुआ है, या फिर वो एयरलाइन ही नहीं है, तो हम उस बंधन से मुक्त करना चाहते हैं। ठीक है, आप रीस्केड्यूल के चक्कर में भी ना पड़े, आप सुरक्षा लें। ठीक है, नहीं जाना है कैंसिल कराएं, पूरा पैसा वापस लें और दोबारा नया टिकट बुक करें। जो 3,500 रुपए आप रीस्केड्यूल में दे रहे थे वो पूरे बच गए आपके। मतलब हर तरफ से अगर आप देखेंगे, चाहे आप कैंसिल कराएं चाहे आप रीस्केड्यूल कराएं, एंड कस्टमर के लिए हमेशा ही फायदा है। तो हर तरह से फायदा ही फायदा उच्चलो सुरक्षा की तरफ से हमारे फौजी भाइयों को मिल रहा है। और मैं यहाँ पर आप सभी को बता देना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है उच्चलो वेबसाइट का, वहाँ पर जाके आप अपने आप को फौजी फैमिली मेंबर्स के रूप में वेरीफाई करा सकते हैं। छोटा सा प्रोसेस है, आप वेरीफाई करा लेंगे, इन फ्यूचर आपको कभी भी टिकट्स बुक करनी है तो आपको बहुत कम फेयर वहाँ पर दिखेंगे, खास करके फौजी भाइयों के लिए और उनके फैमिली मेंबर्स के लिए। तो आप इस चीज़ का पूरा फायदा उठा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ओके, तो इस वीडियो सेशन के दौरान बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली और उज्ज्वला सुरक्षा से हमारे फौजी भाई और उनके परिवार के मेंबर्स कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, हमने सब कुछ समझा है। लालटू सर और प्रणय सर का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए और हमारे फौजी भाइयों को ये अवेयरनेस पहुंचाने के लिए कि किस तरह से उठ चलो हमारे फौजी भाइयों की लाइफ को आसान बनाने के लिए काम कर रही है। आपके जो भी कमेंट्स या क्वायरी है तो कमेंट्स करके आप ज़रूर भेज दीजिए, हम अगले वीडियो में उसको सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। लालटू सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद किरण जी, और हम कोशिश करेंगे कि हम और भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बना पाएँ, हम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ। हमारा तो उद्देश्य यही है। तो जब तक हम दोबारा मिले तब तक के लिए ख्याल रखें। जय हिंद। जय हिंद सर।